नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी लेटेस्ट इन्फो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं न्यूसी न्यूज जॉब नोटिफिकेशन और अपडेट। सबसे पहले दोस्तों, J&K पुलिस बॉर्डर बटालियन का एक नया नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे बता दूं, जिनकी SDRF ग्राउंड में भर्ती हुई है अभी भी, जम्मू के कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जिनकी भी जो भी SDRF ग्राउंड में रनिंग करके आए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और JKP से जुड़े कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं हमारे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे JKP बॉर्डर बटालियन से जुड़े, क्योंकि टेलीग्राम में सबसे पहले नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। ये दोस्तों, बाकी और भी गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बारे में अब बात करते हैं, क्या ये पूरा नोटिफिकेशन निकल के सामने आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बता दें आपको, J&K पुलिस 02 बॉर्डर बटालियन के लिए ये नोटिफिकेशन निकल के सामने आया है। यहाँ पे एक डेट दी गई है 17 मई से लेके 2 मई के बीच में। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी SDRF ग्राउंड में रनिंग हुई है, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, मतलब कुछ वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो घर पे रह गए थे या डॉक्यूमेंट्स नहीं बने थे, तो यहाँ पे इन्होंने J&K पुलिस ने एक और समय दिया है उनको, यहाँ पे दिया है जो कि 17 तारीख से लेकर 2 जून के बीच में। जी हाँ दोस्तों, इन डेट्स के बीच में आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना होगा। तो कहाँ पर जमा करवाना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जम्मू वालों की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 5 दिन मिलेंगे, 17 तारीख से लेके 21 यहाँ पे तारीख तक, मतलब 17 मई से लेके 21 मई तक आप जो है यहाँ पे जम्मू वाले जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आप जमा नहीं करवा पाएंगे। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे ही आपने रनिंग क्लियर की है, ना ही आपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिया गया है, तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता दूँ, कठुआ वालों की बात की जाए तो 23 से लेके 24 तक टोटल 2 दिन आपको मिलेंगे, उस दिन आप कठुआ वालों की डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की जाएगी। उसके बाद दोस्तों, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है, मतलब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो घर पे रह गए थे या कहीं उन्होंने नहीं बनाए थे। तो सांबा की बात की जाए तो टोटल आपको 2 दिन दिए जाएंगे, 25 मई और 26 मई। रजौरी वालों की बात की जाए तो 27, 28 और 30 मई आपको दी जाएंगे। उसके बाद पुंछ की बात की जाए तो आपकी 31 मई और 2 जून, मतलब 31, 1 और 2 जून आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। टोटल आपको 3 दिन यहाँ पे दिए जाएंगे। इसी तरह आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपकी जो है लड़कियों की यहाँ पे रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि आपको पता ही है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, बस यही था हमारा आज का वीडियो।